बेटी मम्मी नहीं आई तुम्हारी, कहाँ चली गई? अबे कल तो नहीं आई वो। अरे नहीं आई होगी, तुम्हारे हाथ में नहीं खा रही। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और स्वागत करती हूँ आपका अपने नए ब्लॉग में। तो मॉर्निंग की शुरुआत हमारी हो गई है गार्डन में बहुत प्यारे प्यारे फूल खिलने के साथ। आज ऊपर जाके देखा तो हमारे गार्डन में काफ़ी अच्छे फ्लावर आए हुए थे और इसे शायद ऑफिस टाइमर और 10 टाइमर भी बोलते हैं, 10 बजे भी बोलते हैं, क्योंकि ये अक्सर इसी टाइम पर खिलते हैं। और मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है हमारे घर में झाड़ू पोछा के साथ, क्योंकि मॉर्निंग में हमारा यही काम है, हमें अच्छा भी लगता है। इससे पहले हमारे यहाँ झाड़ू पोछे वाले लगी हुई थी बट किसी वजह से वो छोड़ के चले गए, जिसकी वजह से यहाँ का जमा मैंने ही ले लिया है और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है। और यहाँ मम्मी हमारी बाहर से झाड़ू लगा के आई हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो बाहर आते हैं काम करने वाले, वो आपको भी पता है सरकारी जो काम होता है वो किस तरह से होता है, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, और अब काफ़ी टाइम से वो आए नहीं हैं। तो मम्मी बाहर का ये घर के बाहर बाहर साफ़ कर देती हैं। और सर बताऊँ, 2 दिन पहले हमारे यहाँ आया है एक किटन, हमारा बिल्ली का बच्चा, जिसका हमने गोल्डी नाम रखा है, गोल्डी भी कहते हैं, और भैया उसे प्यार से चीकू बुलाते हैं, और ये बहुत ही प्यारा है। और ये हमारे यहाँ आया था नाइट में अपनी माँ के साथ, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जब हमने देखा तो उसकी माँ घर पर थी नहीं, बल्कि उसके बाद वो आई ही नहीं है। और 2 दिन तक हमें से बच्चा ही दिखा है जो कि काफ़ी चिल्लाता भी है। इसके बाद नहा धो के हम आ चुके हैं अपनी पूजा करने के लिए अपने, ये हमारे घर का मंदिर है और ये देखिए हमारे सारे भगवान हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं। और मम्मी ने अभी सावन में ये हमारा ख़रीदा हुआ है त्रिशूल जो कि काफ़ी सुंदर है, और ये हमारे प्यारे प्यारे भगवान हैं। और ये देखिए हमारा बिल्ली का बच्चा जो कि खाना ना खा के गाड़ी के ऊपर ही सो गया था और किसी ने उसको डिस्टर्ब भी नहीं किया। और इसके बाद हमने अपने कपड़े जो थे आज वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं, क्योंकि आज मम्मी को जाना था दवाई लेने। एक्चुअली ये मॉर्निंग का ही टाइम है और मॉर्निंग में मम्मी जल्दी आ गई थी। मम्मी एक्चुअली जाती हैं हमारे यहाँ, पापा जो थे हमारे सरकारी कर्मचारी थे, और पापा के ख़त्म होने के बाद हमें CGHS से ही दवाई वगैरह मिलती है। और मम्मी अभी थोड़ी देर पहले ही आई हैं और मैं यहाँ बना रही हूँ नाश्ता, क्योंकि भैया की भी आज छुट्टी है सैटरडे की, 2nd सैटरडे की, और मैं बना रही हूँ हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट, बोले तो हमारा पोहा, जो कि काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी हेल्दी होता है। और ये आ गया है हमारा नाश्ता, अभी मैंने पोहा बनाया था। और ये है चाय, ये मम्मी का नाश्ता, और ये मम्मी को दवाइयाँ मिली हैं इतनी सारी, 3 महीने के ना, 2 महीने की। लेकिन देखिए कितना स्टॉक, देखिए 1 डाइजिन, 2 डाइजिन, 3 डाइजिन, और एक मम्मी आंटी को दे आई हैं बगल में, उनको भी ज़रूरत थी। और खांसी के 1, 2, 3, 4, और 2 मम्मी ने भैया को दे दी हैं, जिसको ज़रूरत होती है तो वो यहाँ से दवा ले जाता है जो एक्स्ट्रा होती हैं। ये मम्मी को 2 महीने की दवाइयाँ मिली हैं, इसमें मेरी भी हैं थोड़ी, ये वाली दवाई खाने वाली नहीं है मेरी, 1 डाइजिन होगी, 1 ये होगी, 2 दवाइयाँ, और मेरी कल आएगी नोज़ल ड्रॉप वगैरह, परसों मिलेंगी, मम्मी को दोबारा चक्कर लगाना पड़ेगा। देखिए हमारे दवाइयों का स्टॉक बहुत ज़्यादा है, अभी और भी मिलेंगी आपको ना, खाने की बस यही है, अच्छा आँखों की मिलेंगी। चलिए, मम्मी को मॉर्निंग में ही जाना पड़ा था, अभी बस नाश्ता बना के आए ताकि मम्मी वगैरह सब साथ में खा लें, और भैया की आज तबीयत खराब थी तो उन्होंने छुट्टी ले ली है। तो चलिए फिर मिलते हैं नाश्ता करके। और नाश्ता करने के बाद ही हमारा आ गया था सिलेंडर, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही मैंने बुक किया था। हमारे यहाँ एक्चुअली 3 सिलेंडर है, लेकिन एक जो सिलेंडर है वो ऊपर सौरभ जो हमारे यहाँ रहता है उसको दिया गया है, वो भी कभी कभी खाना बनाता है, जिसकी वजह से उसने हमारा 1 सिलेंडर लिया हुआ है। और हमारे यहाँ 2 सिलेंडर और हैं, तो जब हमारा 1 ख़त्म होता है तभी हम नेक्स्ट बुक करते हैं, और ख़त्म होने के साथ ही हमने इसे बुक भी कर दिया था। तो वही मैं चेक कर रही थी कि ये कहीं लीकेज वगैरह तो नहीं कर रहा है। और ये भी हमारा सिलेंडर जो है वो अंदर तक ही रख देते हैं, और ये काफ़ी अच्छे हैं, हमेशा आते रहते हैं। और इसके बाद हमने देखा तो हमारी जो घड़ी थी उसने सेल जो था वीक हो गया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी टाइम से बंद थी, तो हमने फटाफट से उसने घड़ी में सेल चेंज किया और रजत से लगवा दी है। और रूम में अब घड़ी की ऐसी आदत हो गई है, फ़ोन तो हालांकि साथ में रहता है लेकिन फिर भी जब तक जब कोई टाइम पूछे तो सबसे पहले निगाहें हमारी घड़ी की तरफ ही जाती हैं। आवाज लगा दीजिए, आओ खाओ, छोड़ दीजिए,
अब कोई डर नहीं है। आओ आओ, ब्रेड रखी है अंदर खा ले। ओए बंदर, ब्रेड बिस्किट रखा है खा ले, अंदर अंदर आओ। चलो अभी कुत्ता आ जाएगा, और क्या बाहर घूम रहा है। चलो अंदर आओ, आओ अंदर, चलो जाओ जाओ। डर रहा है। रानी ने बताई कैसे थे पतंग, पतंग तो अच्छी लग रही है। रचरिया कौन बनाए? बेंटन। अच्छा लिखा तो है बेंटन, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। पतंग अच्छी लग रही है। नंदू को दे आओ। इसकी घड़ी कहाँ गई? बेंटन की घड़ी कहाँ गई? किसी भी हाथ में नहीं। तू पतंग उड़ाते हो? ले जाओ, ये तो उड़ाता नहीं, इतने दिनों से रखी हुई है। एक्चुअली रचित की पतंग काफी दिनों से रखी हुई थी जो कि वो उड़ाना नहीं जानता, तो हमने इस बच्चे को और इस बच्चे को भी खाना दे चुकी थी मम्मी पहले ही। और इसके बाद खा पी के इसको बहुत तेज नींद आई थी, हम लोग इसके काफ़ी करीब तक आ गए थे लेकिन इसको पता ही नहीं चला। और इसके बाद क्योंकि हो गई थी शाम, तो शाम को हम आ गए हैं फाइनली अपना खाना बनाने। और ये मैंने 2-3 टमाटर पीस के रख लिए हैं। तो आज हम बना रहे हैं हमारी आलू की टमाटर की सब्जी, और इसके साथ हम बनाएंगे पूड़ी। और मैं आलू टमाटर की सब्जी जो बनाती हूँ उसमें थोड़े से मेरे पास आलू बॉयल रखे थे, तो इसकी वजह से मैंने थोड़े से हमारे जो वैसे आलू होते हैं कच्चे वाले वो काट लिए हैं, और साथ में वैसे आलू भी मिला लिए हैं बॉयल्ड वाले। और ये हमारी सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनती है। और क्योंकि टमाटर थोड़े से कम थे इसलिए मैंने इसमें थोड़ी खटाई मिला ली है, जिससे काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट आ जाता है। और इसको हम ना ज़्यादा गाढ़ी बनाएंगे और ना ही ज़्यादा पतली बनाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मली इसी तरह की सब्ज़ी खाई जाती है। हालांकि ये सब्ज़ी आलू टमाटर की रचित को नहीं पसंद है, लेकिन बाकी लोग आराम से खा लेते हैं। और मैंने साथ ही पूड़ी भी सेक ली थी। और इसके बाद मैंने थोड़ी सी पूड़ी निकाल ली थी अपने चीकू के लिए या गोल्डी के लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो कुछ खाता है कि नहीं खाता है। हालांकि उसको दूध और ब्रेड ही दिया जा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं कि शायद वो पूड़ी भी खा ले, तो इसलिए बस थोड़ी सी पूड़ी हमने उसके लिए भी निकाल ली है। हमारी पूड़ियाँ सिक गई हैं, और ये देखिए हमारे गोल्डी की पूड़ी है, और ये बनी है हमारी सब्जी। तो हम अभी उसके लिए गोल्डी के लिए ब्रेड लेके चल रहे हैं, सॉरी पूड़ी, देखते वो खाती है कि नहीं, पहले ढूंढते हैं है कहाँ। चलिए मेरे ख्याल से ऊपर गई थी। नहीं है अभी तो, जस्ट अभी फिर मैं घर में आया था ना अभी डैडी के साथ, जो तो थी तब अंदर। काओ वेयर आर यू? मियाओ मियाओ। ये रचे फिर सिम डाल दो, इसके में ब्रेड और वो डालनी है, ला रहे इसमें डालो। और ये है हमारा खाना, आलू टमाटर की सब्जी और अमरूद और पूड़ी, और ये है करौंदे मिर्च। और गोल्डी अभी हमें दिखा नहीं है, हो सकता है छत पे गया हो, क्योंकि वो बाहर लड़कों के रूम में भी चला जाता है ऊपर, तो देखते हैं हो सकता है अभी थोड़ी देर में आएगा तब देखेंगे। उसकी कटोरी में दूध और ब्रेड भी डाल देंगे, अभी फिलहाल मैं पूड़ी डालाई हूँ देखने के लिए कि वो खाता है कि नहीं, फिर देखते हैं मिलता है तो फिर आपको दिखाते हैं। फिर ओए ओए डालिए, अच्छा ब्रेड डाल, हाँ थोड़ी सी डाल दीजिए, ये ज़्यादा डाला ठीक है। आओ दूध नहीं पीना, आओ बाहर आओ, आ जा आओ आओ इधर आओ, बड़े आलसी हो तुम, आओ जल्दी दूध नहीं पीना। आओ आओ ये लो ये लो, बड़ी नींद नहीं आ रही है तुमको, सुबह से सोए नहीं हो? कब हो गया? उतर जल्दी है।
चलिए फ्रेंड्स, तो हम अपने ब्लॉग को यही खत्म करते हैं अपनी आलसी बिल्ली के साथ, जो कि अभी नींद में है और उठने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। तो इनको देखना हो तो मेरे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिएगा। और ये रखा है इनका दूध, दूध और ब्रेड, इसमें मैं पूरी भी डाल गई थी। फिलहाल देखते हैं कितनी देर में खाएंगे। हालांकि ये बहुत चीजों को मानता है, सुनता भी है, लेकिन अब पता नहीं क्यों आलस आ गया इसे, खाया पिया भी है ना। तो चलिए यहीं से करती हूँ अपने वीडियो का एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक ले फ्रेंड बाय बाय। चलो बाय बाय बोलो गोल्डी, बाय बाय बोलो, नींद आ रही है। चलिए बाय।